हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियेश पटेल। यू आर वेलकम ऑन द ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ प्रिय सर विद्यापीठ। दोस्तों, आज गुजसेट का रिजल्ट आया है। गुजसेट 2021 का रिजल्ट आपने देखा होगा। आप सबको पता है कि ट्वेल्थ के जो थ्योरी के एग्जामिनेशन थी उसमें आप सबको मास प्रमोशन मिला था, तो उनमें आपकी स्कूल के प्रैक्टिकल के मार्क, आपकी स्कूल की यूनिट टेस्ट के मार्क से मुताबिक आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिला है। मोस्टली स्टूडेंट्स को उनके रिजल्ट से सेटिस्फाई ही था। लेकिन ये जो गुजसेट की एग्जामिनेशन थी उसमें कोई प्रमोशन नहीं मिला था। आपका एक पेपर हुआ था, आप पेपर में अपीयर हुए थे, 120 क्वेश्चन सिलेक्ट करके आए थे, उसमें से आपको रिजल्ट बना है 0.25 मार्क, वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी था। अगर आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आया है या फिर बहुत अच्छा आया है, तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट बातें करने वाला हूँ जो मैंने मेरी लाइफ में गलतियाँ की थी गुजसेट के रिजल्ट के बाद, और फिर धीरे धीरे जाके उसको मैंने सुधारी थी। लेकिन आज आप इस वीडियो को देख लोगे तो वही गलतियाँ आप सुधारने से पहले ही नहीं करोगे। सो वीडियो जरूर लंबा है, लेकिन आपकी लाइफ यहाँ से चेंज होने वाली है, उसके लिए ये वीडियो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। और वीडियो को देखने के बाद अगर पसंद आए तो लाइक प्रेस करते जाए, और अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल आपके सोशल मीडिया के ग्रुप्स में हैं सब में इसको जरूर शेयर कर दीजिए। दोस्तों, पहली चीज़ कि जिन्होंने ट्वेल्थ में बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की थी उनका गुजसेट का रिजल्ट बहुत अच्छा ही आया है। अगर आपने बहुत सीरियसली मेहनत नहीं की होगी, जाएंगे, चार ऑप्शन हैं, कोई भी टिक करके आ जाएंगे, रिजल्ट वैसे भी आने वाला है। इंजीनियरिंग में वैसे भी 60,000 प्लस सीट्स है, इस बार 50% से भी ज़्यादा खाली रहने वाली है, तो अपना एडमिशन हो जाने वाला है, ऐसी मेंटालिटी के साथ अगर आप गए थे तो आपका रिजल्ट खराब ही आया होगा। देखो, इस मेंटालिटी में आपको कंप्यूटर की अच्छी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलने वाला है, वो श्योर है। आपको गवर्नमेंट में एडमिशन नहीं मिलने वाला है, वो श्योर है। गवर्नमेंट ऐसी कॉलेज अगर होगी जो बहुत दूर होगी और उसमें ऐसी ब्रांच होगी तो वहाँ पे मिलेगा, लेकिन अगर आपकी चॉइस कंप्यूटर है तो भूल जाना कि आपको वहाँ पे एडमिशन मिलेगा। तो पहली चीज़, अगर आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आया है या फिर रिजल्ट बहुत खराब आया है, देखो अगर रिजल्ट बहुत खराब आया है तो रोने से कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि ये रिजल्ट चेंज नहीं होने वाला है। इसमें कोई आप रीअसेसमेंट नहीं करवाने वाले हो, पेपर ओपन नहीं करवाने वाले हो तो कि आपके मार्क चेंज हो जाए, क्योंकि वैसे भी ये पेपर जो MR शीट है आपकी वो कंप्यूटर ने चेक की है, तो कंप्यूटर कभी गलती करता नहीं है, तो इसमें रीअसेसमेंट की कोई रीचेकिंग की कोई बात आती नहीं है। लेकिन आज के बाद लाइफ में एक डिसीजन ले लो कि कभी भी कोई भी एग्जामिनेशन में आप जाओगे तो बहुत सिंसियरिटी के साथ, बहुत सिद्धत के साथ, प्यारी सी मेहनत के साथ और बहुत जुनून के साथ जाओगे। ऐसा नहीं कि देने खातर चले गए, एडमिशन तो मिल जाने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपको जब आप मेरिट रैंक में जाओगे, अभी SCPC का फॉर्म फिलअप चल रहा है, फिर मॉक राउंड आएगा। देखो, मॉक राउंड में कैसे करना है वो सब हम यहाँ पे हमारे चैनल के ऊपर आपको बताने वाले हैं, उसकी आप टेंशन ना लीजिए। कैसे चॉइस फिलिंग करते हैं वो भी हम आपको समझाने वाले हैं। लेकिन अगर आप इस बार आपकी अच्छी जो कॉलेज में लेना था उसमें रह जाओगे कोई थोड़े बहुत मार्क की वजह से, क्योंकि आप सबको पता है कि गुजसेट का वेटेज 50% इस बार कर दिया है, बोर्ड का 50%। देखो, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, आप सबको पता ही होगा कि बोर्ड का 50% एंड गुजसेट का 50%, ये दोनों मिला के आपका एडमिशन इस बार होने वाला है। लास्ट टाइम बोर्ड का 60% था एंड गुजसेट का 40% था, जो रेशियो इस बार चेंज किया है। अब बहुत सारे लोग ऐसा बोलते थे गुजसेट का 100% करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट जो डिसीजन लेती है वो डिसीजन के बारे में आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप कोर्ट में केस कर सकते हो, उसके अलावा यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये जो होने वाला है उसमें गुजसेट का वेटेज 50% ऑलरेडी रखा हुआ है, तो अभी आपके मार्क बहुत 120 में से कम आए हैं, 70, 60, 50, उसको कम ही मार्क बोलते हैं, 50% मार्क बोलते हैं, तो आपको जो आपकी ड्रीम कॉलेज थी उसमें शायद एडमिशन न भी मिले। अगर नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, इंजीनियरिंग में जाके या फिर फार्मेसी में जाके एक बात चीज़ माइंड में याद रख लेना कि आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा या करूँगी कि जो मेरे मार्क के ऊपर इफेक्ट करे, जिसने मेरी अच्छी कॉलेज में जहाँ पे मुझे एडमिशन लेना था वो मैं नहीं ले पाया, नहीं ले पाई। वो अपने आप से एक वादा कर दीजिए, और अगर आपने वादा किया है तो नीचे कमेंट सेक्शन में वो वादा लिख भी दीजिए, क्योंकि आपका रिजल्ट आया है, आपको पता ही होगा कि आपने कितना सपोज किया था और कितना आया है। आप कितनी, आपके टेंथ का रिजल्ट आप देखिए और ये अभी गुजसेट का रिजल्ट देखिए, उसका कंपेरिजन करिए, आपको पता चल आएगा कि आप कहां पे थे और कहां पे पहुंच गए हो। तो ये पहली चीज मैंने बताई। अब आपके पास थोड़ा टाइम है, आपकी कॉलेज शुरू होने से और आपके अभी जो रिजल्ट आए हैं, ये जो प्रोसेस चलने वाली है एडमिशन प्रोसेस, उसमें आपके पास बहुत सारा टाइम है। उस टाइम पे आप कितनी चीजों का ध्यान रखेंगे, मैं वन बाय वन सारी चीजें यहां पे बता रहा हूं। पहली चीज, आपको जिस जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है वो कॉलेज का लिस्ट बना लीजिए। अब ये कॉलेज का लिस्ट आपको कहां से मिलेगा, ACPC की वेबसाइट है, गूगल में आप लिखोगे ACPC तो वहाँ से आपको ACPC की वेबसाइट के ऊपर से
आपको टोटल कॉलेजेस का लिस्ट मिल जाएगा, किस कॉलेज में कितनी ब्रांच है, उस ब्रांच के अंदर कितनी शीट्स है, कितनी TFWS है, वो सभी चीज़ें वहाँ पे मिल जाएगी। TFWS एंड MYSY दोनों के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक रख दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप जरूर से उस वीडियो को देख लेना। और इस वीडियो के लास्ट में जिनको गुडसेट में 50 प्लस मार्क आए हैं उनके लिए हम एक ऑफर लेके आए हैं, वो ऑफर की भी मैं बात करने वाला हूँ। तो वीडियो पूरा देखना, कहीं पे भी कुछ स्किप मत करना। कॉलेज का लिस्ट निकाल लीजिए, आपको कौन सी ब्रांच में एडमिशन लेना है वो देख लीजिए, कौन सी ब्रांच की अभी प्रायोरिटी है, लास्ट टाइम का कट ऑफ कहाँ पे अटका था, वो सारी चीज़ें देख के आपका एक कॉलेजेस का लिस्ट निकाल लीजिए कि आपको इतनी इतनी कॉलेजेस में चॉइस फिलिंग करनी है। चॉइस फिलिंग करने के लिए कोई कॉलेज का होता नहीं, आप कितनी भी कॉलेज डाल सकते हो चॉइस फिलिंग में, उसका कोई प्रॉब्लम वहाँ पे है नहीं। इतना आप करके रखिए। और एक आप ACPC का फॉर्म फिलअप कर दीजिए। दूसरी चीज़, जब आप कॉलेज में एडमिशन लोगे तब आपकी जो लैंग्वेज होगी वो इंग्लिश होगी, डिग्री में इंग्लिश में पढ़ना होता है। तो आपने 11, 12 अगर गुजराती मीडियम से किया है तो आप अब जाने वाले हो इंग्लिश मीडियम में। मैं भी गुजराती मीडियम का स्टूडेंट हूँ, मैंने भी इंजीनियरिंग मास्टर डिग्री सब इंग्लिश मीडियम में ही किया है और इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश लैंग्वेज में ही होता है। तो मुझे पता है कि जब गुजराती से जाते हैं तब पहले तो क्लास में जो लेक्चर होते हैं उसमें कुछ पता ही नहीं चलता। अगर टीचर्स हिंदी या गुजराती में बोलता है तो हमें पता तो चलता है, लेकिन पेपर में जाके तो हमें ऑलरेडी इंग्लिश में ही लिखना होता है, तो हर जगह पे हम अटकते हैं। तो यहाँ पे जो आपके पास टाइम पीरियड है उसमें कुछ ना करते हुए आप आपका इंग्लिश इंप्रूव करें, मतलब इंग्लिश सीखें। अब मैंने जैसे ही बोला इंग्लिश सीखें तो आप बोलोगे सर इंग्लिश मार्केट में अगर ऑफलाइन सीखने जाए तो उसकी फीस 4,000 से 5,000 है, और अभी इस कोरोना की कंडीशन में सर हम कहाँ पे सीखने जाए 4,000-5,000 रुपीज़ भर के। आप कुछ ऐसा सॉल्यूशन दिखाओ कि घर पे बैठ के हम अपने मोबाइल में अपने टाइम पे जब मन करे तब इंग्लिश सीखे और जब कॉलेज में एडमिशन ले तब तक हमारा इंग्लिश 40-50% तक तो इंप्रूव हो ही गया होगा। तो इसके लिए हम हमारी एप्लीकेशन में, अगर आपको पता ना हो तो एप्लीकेशन की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऑलरेडी दी है। प्री एसर विद्यापीठ एप्लीकेशन का नाम है। आप उस एप्लीकेशन पे जाओगे तो वहाँ पे आपको ऐसा दिखाई देगा, ये चीज़ आपको वहाँ पे दिखाई देगी। अब समझना, ये एप्लीकेशन में आपको स्टोर सेक्शन में जाना है। यहाँ पे देखो स्टोर सेक्शन लिखा होगा STORE। आप जैसे ही स्टोर सेक्शन में चले जाओगे तो नीचे स्टोर सेक्शन में बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई देगी। तो वहाँ पे आपको क्या करना है, वहाँ पे आपको करना है वन बाय वन सारे कोर्सेज है जिसमें से आपका काम है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। तो यहाँ पे आप सर्च करना, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स लिखना, मैं लिखता हूँ। तो ये इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स यहाँ पर आ गया। इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स का लेवल नंबर 1 है जिसकी एक्चुअल प्राइस 600 रुपीज़ है। अभी फेस्टिवल ऑफर चल रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इसकी एक्चुअल प्राइस 600 रुपीज़ है। अभी ऑफर की वजह से डिस्काउंट चल रहा है और प्राइस है 256.57 रुपीज़ ऑनली। अब आपको पता होगा कि इतने रुपीज़ तो आप एक मूवी देखने जाओगे तो भी हो जाएगी, और मूवी में अगर पॉपकॉर्न खाओगे तो इससे तो ज़्यादा हो जाने वाले हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे आप देखोगे कंटेंट में तो डेमो लेक्चर्स दिए हुए हैं। मैंने एक इंट्रोडक्शन का वीडियो मैंने खुद ने बनाया है कि अंदर मैंने इंट्रोडक्शन दिया है कि कितनी चीज़ें इसमें आपको मिलने वाली है। अनलॉक वीडियो है, आप उसको देख सकते हो। लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2 डेमो लेक्चर्स हैं, ये भी डेमो है। वो डेमो लेक्चर में आप डेमो भी देख सकते हो। भूमि मैडम ने यहाँ पे आपको इंग्लिश समझाया हुआ है, दोनों लेक्चर्स के डेमो यहाँ पे अवेलेबल है। अब डेमो देखने के बाद आप होमवर्क सब में जाओगे तो लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2 के होमवर्क्स भी दिए हुए हैं। ये होमवर्क भी हमने अनलॉक रखे हैं। होमवर्क करने के बाद आपके आंसर सही है या गलत है, आप होमवर्क सब में जाओगे तो उसमें भी लेक्चर वाइज होमवर्क के सम दिए हैं, तो आप उसको देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे हमने दिया है टॉपिक लिस्ट। लेवल 1 में कितने टॉपिक कवर है उसकी एक PDF है, उसको भी आप देख सकते हो, तो आपको पता चलेगा कि 256 रुपीज़ में आपको कितनी सारी चीज़ें मिलने वाली है। इंपॉर्टेंट चीज़ कि भाई सर हमने देख तो लिया सब, फिर हम टेस्ट दें, तो यहाँ पे टेस्ट की फैसिलिटीज़ भी रखी है। MCQ वाइज टेस्ट है, आप टेस्ट दोगे, 4 ऑप्शन में से टिक करना है। लेक्चर वाइज ही टेस्ट है, देखो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि लेक्चर 9 लेक्चर 7 इसकी टेस्ट है। आप लेक्चर वाइज टेस्ट देने के बाद आपको रिजल्ट तुरंत जैसे सबमिट करोगे तुरंत ही मिल जाएगा, तो ये लेक्चर वाइज टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी, तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि पता चला नहीं पता चला। उसके बाद आपको साथ में मिलने वाला है वर्ब्स एंड वोकैब्स।
वर्ब्स एंड वोकैब्स का पूरा लिस्ट यहाँ पे आपको मिलने वाला है जो आपका इंग्लिश इंप्रूव करेगा, क्योंकि इंग्लिश बोलने के लिए आपको वर्ब्स एंड वोकैब्स की तो एक्चुअल में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो वोकैब्स यहाँ पे ए बी सी डी वाइज दिए हुए हैं लेवल नंबर वन में। टोटल 22 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं, अभी और 2-3 लेक्चर्स आने वाले हैं। मतलब यहाँ पे जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है मेरा, उसमें मैंने ऑलरेडी बताया हुआ था कि 22 से 24 लेक्चर की हमारी ये पूरी सीरीज होगी। उसका एक्सेस आपको एक साल का मिलने वाला है और ये प्राइस अभी ऑफर में चल रही है, रक्षाबंधन फेस्टिवल चल रहा है इसलिए 256 रुपीस ही है। तो आप जाके इसको बाय कर सकते हो और आप शुरू कर सकते हो आपका इंग्लिश पढ़ना। इस इंग्लिश के लेक्चर में अभी ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट ज्वाइन हो चुके हैं। मैं बोलूं तो लास्ट डिजिट इतना मुझे पता चला था हमारी एप्लीकेशन से अब तक तो शायद 1000 प्लस स्टूडेंट इसके साथ जुड़े होंगे। दूसरी चीज़, ये जो स्टूडेंट है वो सीखते हैं, कोई डाउट आता है तो मैडम से डायरेक्ट यहाँ पे एक चैट सेक्शन हमारी एप्लीकेशन में, वो चैट सेक्शन में जाके मैडम से उनके डाउट भी पूछते हैं। तो आप जब का आपका एडमिशन होगा तब तक आपका इंग्लिश इम्प्रूव जरूर हो गया होगा। तो 256 कोई बड़ी बात आपके लिए नहीं है। अब ये फेस्टिवल है इसलिए ये तो थोड़े दिनों में इसकी प्राइस शायद वापस चेंज होकर 350-400 उसके आसपास हो जाएगी। ऑफर में है 600 में अभी ऑफर है, तो उसमें भी ऑफर मिलेगा लेकिन वो ऑफर पीरियड आपको बहुत कम मिलेगा, 356 वापस हो जाएगी। और अगर आप ग्रुप में ले रहे हो, 10 स्टूडेंट से ज़्यादा का आपका ग्रुप है तो आप हमें चैट सेक्शन में लिखना, इसके ऊपर भी हमारी टीम आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट वहाँ पे कर देगी। लेकिन 10 से स्टूडेंट ज़्यादा है उसका ग्रुप है। देखो ये इसलिए हमने रखा है कि आप कुछ सीखो। हम जो प्रॉब्लम फेस करके आए, हमने पहले सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर में तो पेपर में क्या लिखा था इंग्लिश कुछ पता ही नहीं था, तो वो सबसे ज़्यादा हमारा प्रॉब्लम था। तो ये प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाला है। अब मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात बताई थी कि गुड सेट में जिसके 50 अप मार्क है, किसमें से 120 में से, गुड सेट में जिसके 120 में से 50 अप मार्क है, मतलब 51 52, 50 नहीं चलेगा, 50 पॉइंट समथिंग होगा तो चलेगा। तो वैसे स्टूडेंट को ये जो 256 रुपीस है उसमें एक और डिस्काउंट मिलने वाला है 50 रुपीस का। मतलब आपको अप्रोक्स 199 प्लस इंटरनेट हैंडलिंग चार्ज 4 या 5 रुपीज़ जितना है उसमें ही ये कोर्स मिलने वाला है। तो अगर आपका ऐसा रिजल्ट है तो आपको ये रिजल्ट कहाँ पे सेंड करना है, मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ 9825799458, ये नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है आपका नाम, आपका रिजल्ट का फोटोग्राफ, इतना आप शेयर करोगे तो आपको एक कूपन कोड दिया जाएगा, आपके नंबर का ही स्पेशल बनाया होगा जिस नंबर से आपको कोर्स बाय करना है उसका, उसके अलावा आप दूसरे कोई स्टूडेंट डालेंगे तो वो बाय नहीं कर पाएंगे। तो आपके नंबर का एक कूपन कोड हमारी टीम जनरेट कर देगी और आप जब डालोगे तो यहाँ पे जो ये 256 है उसमें आपको 56 माइनस करके 200 रुपीज़ के आसपास का दिखाएंगे। तो जो भी स्टूडेंट का 50 अप रिजल्ट है उनके लिए ये ऑफर थोड़े दिनों तक चलने वाली है। तो आपको हमने इतना सारा दिया है इतने कम रुपीज़ में, अगर आपको कहीं पे भी मिल जाए तो हम आपको पूरा फ्री में पढ़ाने को भी रेडी है। दूसरी चीज़, ये पहली बात हुई। दूसरी बात, आपने आपका कॉलेज का लिस्ट निकाल लिया, इंग्लिश का जो प्रॉब्लम है वो भी सीखना शुरू कर दिया। अब आता है मेन इंपॉर्टेंट, जब आप इंजीनियरिंग में जाते हो तब आता है मैथ्स, जो सबसे आपको परेशान करता है। 12th में वैसे भी कुछ सीखे नहीं, 11th में वैसे भी कुछ सीखे नहीं, तो यहाँ पे आपको मैथ्स सीखना है और मैथ्स का बेसिक पावरफुल करना है। तो मैथ्स के बेसिक को पावरफुल करने के लिए मैंने खुद ने फ्री लेक्चर्स की सीरीज शुरू की है YouTube के ऊपर। आप YouTube में जाओगे, हमारी चैनल है YouTube में, हम आपको दिखा ही देते हैं। आप YouTube में जाओगे, हमारी चैनल का नाम यहाँ पे सर्च करोगे, जैसे ही आप नाम सर्च करोगे तो ये हमारी चैनल है, आपको दिख रहा है प्रिय सर विद्यापीठ के नाम से। इस चैनल के अंदर जैसे ही आप जाओगे तो आपको दिख रहा होगा, आप प्लेलिस्ट में आप जाना, प्लेलिस्ट में बेसिक मैथमेटिक्स की एक सीरीज शुरू की है, बेसिक मैथ्स फॉर इंजीनियरिंग। बेसिक मैथ्स फॉर इंजीनियरिंग के प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो 2 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, यहाँ पे भी आपको स्क्रीन पे ऊपर दिखाई देगा, लेक्चर नंबर 2 है और ये लेक्चर नंबर 1 कहाँ पे है, लेक्चर नंबर 1 ये रहा, 2 लेक्चर अभी हुए हैं। इसके PDF नोट्स अगर आपको डाउनलोड करने हैं तो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी टेलीग्राम की लिंक होगी, वो टेलीग्राम की लिंक से आप उसकी PDF नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो। तो टेलीग्राम पे हमें फॉलो करना मत भूलना, प्रिय सर विद्यापीठ सेम नाम से हमारा अकाउंट है। तो आपको कितना काम करना है, एक यूट्यूब जिसपे आप ये वीडियो देख रहे हो, टेलीग्राम
एंड इंस्टाग्राम, ये सभी जगह पे हम अवेलेबल है, प्रियेश्वर विद्यापीठ सेम नाम से अवेलेबल है। आप हर एक जगह पे हमसे जुड़ जाना है तो सारी नोटिफिकेशन आप तो को इंस्टेंट वहाँ से मिलती रहेगी। तो ये मैथ्स की जो फ्री सीरीज है उसमें आप ज्वाइंट हो सकते हो। लेक्चर नंबर 3 थोड़े ही दिनों में होने वाले हैं, लेक्चर सारे लाइव होते हैं, आप लाइव में आ सकते हो, डिस्कशन कर सकते हो, आपके सवाल भी पूछ सकते हो। तो लाइव लेक्चर 3 की लिंक टेलीग्राम में आ जाएगी, इंस्टाग्राम में भी स्टोरी में उसकी अपडेट आ जाएगी, उसकी लिंक आपको मिलेगी, उस टाइम पे आप उस लिंक को प्रेस करोगे तो आप लाइव में कनेक्ट हो सकते हो। तो ये तीन चीज़ें आपको करनी है। कॉलेज का लिस्ट निकाल लेना है आपको जहां पे एडमिशन लेना है, मेरिट रैंक आए तब तक। दूसरा, इंग्लिश शुरू कर देना है, और ये बेस्ट मैजिक मैथ जो आपको अभी फ्री मिल रहा है वो फ्री पढ़ना शुरू कर देना है, तो ही आपका जो अभी कम मार्क आए हैं वो कम मार्क के ऊपर हमें ऐसा लगेगा कि आप थोड़े बहुत सीरियस हुए हो। और देखो दोस्तों, कम मार्क्स से कोई आपका जो गुडसेट का रिजल्ट है वो कोई आपकी लाइफ बनाने वाला नहीं है, पहली चीज। लेकिन यहाँ पे आप इंजीनियरिंग में जाओगे तो इंजीनियरिंग से आपको जॉब मिलने वाली है आपके मार्क्स से। तो पहले सेमेस्टर से लेके फाइनल सेमेस्टर तक के सारे मार्क्स वहाँ पे कैलकुलेट होते हैं, सभी अच्छे रिजल्ट कैलकुलेट होते हैं। कभी कभी एक ATKT भी आपको कहीं पे जॉब में रोकती है, जहाँ पे ऐसा रूल होगा जिस कंपनी में एक भी ATKT हो तो आप इंटरव्यू में मत बैठो, तब आप वहाँ पे अटक जाओगे। तो पहले सेमेस्टर से ही ध्यान रखना है, तो उसके लिए इंग्लिश तो आना ही ज़रूरी है, साथ में आपको मैथ्स भी आना ज़रूरी है। 4 सेमेस्टर तक मैथ्स आपको परेशान करने वाला है, भले ही 12th में कितना भी पावरफुल आपका मैथ्स ना हो, फर्स्ट सेमेस्टर में जाके वाट लगेगी। और पहले कितना पावरफुल हो या ना हो, अगर सीख लोगे थोड़ा अच्छे से बेसिक, और हम हमारे लेक्चर्स की सीरीज भी यहाँ पे रखते रहते हैं, तो इंपॉर्टेंट नोट्स, इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारी एप्लीकेशन में रखते रहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से एप्लीकेशन, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सबकी लिंक आपको मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें, और जरा भी टेंशन मत लीजिए, एक दिन नया आया है तो नई शुरुआत कीजिए, जो पुराना हो चुका है उसको भूल जाइए। भले ही कितने मार्क हो, आपने आज तक मुझे मेरे बुकसेट के मार्क नहीं पूछे, तो आपको भी इन फ्यूचर जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे अच्छे खासे, आपकी डिग्री में अच्छे नंबर आएंगे। मेरे मास्टर डिग्री में जब मेरा गोल्ड मेडल आया, तब मैं जब गोल्ड मेडल लेने गया, तब मुझे कुछ किसने स्टेज पे ऐसा पूछा नहीं आज तक कि आपके बुकसेट में कितने मार्क थे, अगर आपके नंबर कम थे तो हम आपको एक गोल्ड मेडल नहीं देंगे। तो दोस्तों ऐसा ही होता है कि एक बार आपके मार्क कम आए, लेकिन उसके बाद जो आप करने वाले हो उस पर आप थोड़े सीरियस बन जाओगे और उसमें अच्छे से पढ़ाई करोगे तो आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। अभी भी आपके कोई प्रॉब्लम है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमें ज़रूर मैसेज कीजिए, इंस्टाग्राम में मैसेज कीजिए, टेलीग्राम में मैसेज कीजिए, हमारी टीम आपको श्योर रिप्लाई देगी। और ये कोर्स अगर आपको बाई करने हैं उसमें आपको कहीं पर प्रॉब्लम आ रहा है तो भी हमें मैसेज करिए, हमारी टीम आपको श्योर हेल्प करेगी। मिलते हैं न्यू वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।